नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोग अभी तक हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। आप वहां पर जाकर लिंक पे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि आपने 5 मिनट इस मंत्र का जाप करना है जो कि धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन इस मंत्र को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसका बहुत महत्व होता है। मंत्र देखिए, आपको कई तरह के मिल जाएंगे कि ये मंत्र बोलिए धन प्राप्ति के लिए, ये मंत्र बोलिए आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन मंत्र को बोलने का भी एक समय, एक तरीका होता है, तो वो आपको बताएंगे कि किस समय और किस तरीके से आपने उस मंत्र को बोलना है जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, फ़ायदा मिलना शुरू होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। और कोई भी मंत्र देखिए, कोई भी मंत्र जो होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस मंत्र में कोई शक्ति ना हो, कोई ताकत ना हो। हर एक मंत्र में शक्ति होती है, ताकत होती है, लेकिन आपने उन मंत्रों को बहुत ही विश्वास के साथ बोलना है। अगर आपके मन में विश्वास है कि हाँ ये मंत्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा, तो ही वो मंत्र आपके लिए पॉजिटिव काम करना लगातार शुरू हो जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि ये मंत्र मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, तो वो वैसे ही चीज़ें होने लगेंगी। हमारे मन के विश्वास में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कोई भी कार्य संपन्न होने का। तो अब बात करते हैं मंत्र कौन सा है। उससे पहले बात करेंगे कि मंत्र आपने कैसे बोलना है। मंत्र का जो समय होगा वो होगा सुबह का समय। जब आप बिल्कुल नींद से उठेंगे उसी वक्त आपने मंत्र बोलना है। किस तरीके से बोलना है ये भी बताएंगे। जब भी आप सुबह उठते हैं तो लोग कहते हैं सुबह उठते ही प्रभु का नाम लें, सुबह उठते ही पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जो सुबह सुबह का समय होता है, जब हम बिल्कुल नींद से जागते हैं, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, तो जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वैसी ही चीज़ें पूरे दिन में हमारे साथ होनी शुरू हो जाएंगी। ये सच की बात है, बिल्कुल नेचुरल बात, और 100% इसमें गारंटी है कि ये चीज़ होगी। तो अगर आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे आपके साथ अच्छा ही होगा। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल सुबह उठते ही जैसे आप नींद से उठेंगे, सबसे पहले चौंकड़ी मारकर बैठ जाना है। बेड के ऊपर ही बैठ जाए, चाहे आपने अपने हथेलियों को इस तरीके से देखना है। मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है, अगर आप सुबह उठते ही, नींद से जागते ही अपनी हथेलियों की लकीरों को गौर से देखते हैं, तो आपकी लकीरें आपके लिए बहुत बेस्ट काम करना शुरू कर देती हैं और पॉजिटिव तरीके से बदलना शुरू करती हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हथेलियों को देखना है, लकीरों को देखना है, माँ लक्ष्मी का नाम लेना है और उसके बाद आपने धन प्राप्ति का ये मंत्र बोलना है, जो कि पहले आपने इस तरीके से लकीरों को देखना है, इसी तरीके से आपने हाथ जोड़ लेने हैं और धन प्राप्ति का मंत्र बोलना है, जो कि आपने 101 बार बोलना है। आपने बोलना है ओम ह्री नमः, आपने बोलना है ओम ह्री नमः। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप उसके ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले अपनी लकीरों को ज़रूर देखिएगा, उठते ही माँ लक्ष्मी का नाम ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ये मंत्र को 101 बार आपने सुबह उठते ही ज़रूर बोलना है और उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी आपका डेली बेस का काम होगा। तो ये एक बार आप ज़रूर करके देखिए, क्योंकि ये आपको डेली करना है। इसमें कोई दिन नहीं बताऊंगी कि 21 दिन तक या 41 दिन तक। ये ऐसी चीज़ है जो माँ लक्ष्मी का नाम लेने की चीज़ है, जो धन प्राप्ति की चीज़ है। ये मंत्र आपने डेली करना है। एक दो बार करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। इसको अपनी रूटीन बना लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जाके फायदेमंद होने वाली है और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके हर बिगड़ते काम बनेंगे और धन की भरपूर रूप से मात्रा आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।